अच्छा तो मार्कंडेय ने भगवान की बड़ी स्तुति की, नर नारायण की, और अंत में अपने कामना माया दर्शन की मांग रख दिया। तो क्या हुआ कि कहा गया था द्रक्षे मायाम ययालो का सपालो वेद सदविधम। सदविधम का अर्थ है भेद को सत्य मानने वाला, ऐसा भी अर्थ है अथवा सत्य में भेद का दर्शन करने वाला। सत्य माने अद्वैत में द्वैत का दर्शन करने वाला कौन? ये समस्त लोक जनता अज्ञानी, जिसके द्वारा यह लोक जीव सपाल लोक आदि पालकों के से देवताओं के सहित सत्य में भी भेदों को जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिस माया के कारण से उस माया को मैं देखना चाहता हूं। सुत वाच, सुत जी कहते हैं, इतिडी तो वर्चित कामम ऋषिणा भगवान मुने तथेति सस्मयन प्रागात बदरिया श्रम ईश्वर स ईश्वर। यदि ईडित इस प्रकार से स्तुत अर्चित मुने पूजित ऋषिणा भगवान मुने, ऋषि के द्वारा भगवान समय प्रकाश ईडित है, अर्चित है, हे मुने संबोधन शौनक के लिए, उन्होंने क्या किया उसकी कामना को तथा इति तथास्तु ऐसे कह दिया, लेकिन तुरंत नहीं दिखा रहे माया को, तथा ऐसे कह करके स ईश्वर स्वयं मुस्कुराता हुआ बद्रियाश्रमम प्रागात नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। तमेव चिंतनर्थम ऋषि स्वाश्रम एव सह वसन्यग्न्यर्कसो मांबु भू वायु विवदात्मसु। वो जो मार्कंडे उसी की कामना जो किया था उसका चिंतन करने लगा। तमेव चिंतनर्थम, तमेव अर्थ में माया दर्शन रूपम अर्थम, माया दर्शन रूपी अपना जो प्रयोजन है लक्ष्य है उसी का चिंतन करता हुआ वह ऋषि अपने स्वाश्रम में विराजमान था। वह कहाँ चिंतन कर रहा था, किन किन में ऐसे इसका चिंतन कर रहा था, हैं? अग्नि, अर्क, सोम, अम्बु, भू, वायु, वियद, शरीरादि शुचा, इन सभी में उस माया को ढूंढ रहा था। इन सब में कहाँ माया बैठी हुई है, हाँ? अपने आश्रम में रहते हुए उस माया को इन सभी में चिंतन कर विचार करता हुआ देखने के लिए प्रयास कर रहा था। ध्यायन सर्वत्र च हरिम भाव द्रव्यैर पूजयत क्वचित पूजां विसस्मार प्रेम प्रसर संप्लुत हो। लेकिन बेचारा जहां देखता है वहां पर उसको हरि ही दिखता है, माया तो दिखती है नहीं। सर्वत्र च हरिम ध्यायन, इन सभी में वो हरि का ही ध्यान कर पाता, ध्यान करता हुआ भाव द्रव्य में मनोमय द्रव्यों के द्वारा मानस पूजा करता था। कभी एक बार ऐसा भी घटना घटी कदाचित प्रेम प्रसर संप्लुत, प्रेम को उद्रेक से युक्त हुआ वह पूजा विसस्मार, वो पूजाओं में से एकाध पूजा को भूल गया। छोटे छोटे उपचार होता है ना, एकाध उपचार में कुछ न कुछ भूल गया, बस मौका मिला माया को प्रवेश करने। वहीं पर जहां प्रमाद हुई वहां माया का प्रवेश। अब तक तपोबल के माध्यम उसका ज्ञान के इतनी प्रकृष्टते ही कि वह माया पर उसको दर्शन नहीं दे पा रही थी। अब उसने जो है कभी ऐसा हुआ प्रेम के उद्रेक के कारण से एक भूल कर दिया, जहां भूल हुई वही माया का चाल चलेगा। ईश्वर के प्रेरणा से और क्या, वरदान सफल होना है ना, वरदान सफल करने के लिए वह थोड़ी प्रचिति कर दिया। तस्य कदा भृगुश्रेष्ठ पुष्प भद्रा तटे मुने उपासीनस संध्यायाम ब्रह्मन वायुर भूत महान। वो क्या देख रहा है, वो जो पूजा में त्रुटि हुई उसी त्रुटि के काल में ही झटी थी, अचानक अपने आप को देख रहा है भृगुश्रेष्ठ। अरे भृगुश्रेष्ठ, अच्छा भृगुश्रेष्ठ संबोधन है, हे भृगुश्रेष्ठ, हे शौनक। तस्य वो देख रहा है, वो एकदा एक बार पुष्प भद्रा तटे मुने है, तस्य मुने है उपासीनस्य,
वह मुनि उस पुष्प भद्रा नदी के तट पे बैठा हुआ है। अपने आप कैसे देख रहा है, मैं बैठा हूं और हो क्या रहा है, संध्या का समय था। हे ब्रह्मन, वायु रूप महान मान वायु, प्रचंड वायु चलने लगा अचानक। जैसे आप लोग कई बार गंगा तट चले जाते हैं, मौसम ठीक रहता है और एकदम आंधी तूफान आने लग जाए, वैसे वहां उसको अनुभव होने लगा। पूजा कर रहा था मानस पूजा, और मानस पूजा करते करते मन के सामने दूसरा सीरियल चालू हो गया। और मन क्या देख रहा है, वो संध्या काल में पुष्पभद्र नदी के तट पर बैठे हुए हैं और वह मान वायु चल पड़ा। तम चंड शब्दम समुदीरयंतम बलाहक अन्व भवन कराला अक्षस्थविष्ठा मुच स्तडित भी स्वनंत उच्चैर विवर्ष धारा तंचंड शब्दम समुदीरयंतम। कहते भान प्रचंड शब्द करता हो, शी शी बड़ी जोर से आवाज दे रहा है, हवाएं चलती बड़ी तेज ना भयंकर आवाज होता है, आदमी घबरा जाए। तम वायु, वह वायु जो प्रचंड शब्द करता हुआ जो है बहता हुआ, उस वायु के साथ में क्या हुआ, बलाहका अनु अभवन। बलाहका में बादल, दुनिया भर बादल इकट्ठे आने लगे, मेघ। इसलिए मेघ को बलाहक कह दिया क्योंकि बल मने विद्युत, विद्युत को चमकाने वाला है वह, इसलिए उसका नाम बलाहक, मेघों का। बलाहका मेघाह अभुवन, और कैसे हुए वो, कराला भयंकर मेघ इकट्ठा हुआ, थोड़ा थोड़ा करे इकट्ठे होते रहे, ऐसे नहीं इकट्ठे भयंकर आने लग गए। अक्षस्थविष्ठा ममुचु अभिवर्ष धारा उच्च स्वरंत तटिदिशा, जोर से कड़ाके की आवाज करता बिजलियों के साथ, बिजली को चमकाते हुए उसके साथ साथ इतनी जबरदस्त वर्षा की धारा कि आंखों के सामने मोटे मोटे इतने इतने बड़े आइसक्रीम जैसे गिर रहा था, दिखाई दे रहा है इतना मोटे मोटे ओले गिरते ना बड़े बड़े, इसे दिख रहा है। अक्ष सविष्ठा हाँ, अभिवर्ष धारा मुमुचो तड़द्वी स्वनंत स्वनंता आवाज करता हुआ इस प्रकार से गिरने लगा, भयंकर वर्षा होने लगी। अक्षो रथांगम तद्वत स्थविष्ठा अभी तो वर्ष धारा मुमुचु, अक्ष से लेना रथ का जो अंग विशेष, वो जो रथांग पे जो छह चित्री होती है, ऐसी चित्र के बराबर मोटे मोटे ओले गिरने लगे सादा आवाज करता। वर्षा की धारा थी साथ साथ, वो भी था ओले, तभी तो स्थूल स्थूलत्व है ना उसमें, स्थूल के साथ वर्षा की धारा हो रही, केवल ओले तो कभी गिरते नहीं, बारिश के साथ ही तो ओले आते हैं। तथो व्यदृश्यंत चतुस्समुद्रा समंत दक्षमातलमाग्रसंत समीर वे गौर विभिर उग्र नक्र महाभयावर्त घवीर घोषा। तथो विदृशंत, उसके बाल से क्या देखा, चार तो तरफ से समुद्र आ रहा है, चारों तरफ से आगे पीछे इधर से चारों समुद्र आ रहा है, सबको घेर रहा है, सबको डुबाते 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 उसकी ओर आ रहा है, वो देख रहा है मेरे पास ही आने जा रहा है सारा सारा, मेरे को भी डुबाएगा, वो डरेगा, वो देख करके दृश्य को जैसे वो आए ना भी सुमानी लहर भयंकर समुद्र आ रहा है अंदर, वैसे आपने तो टीवी में देख ले यहां बैठ करके, वो तो आज साथ साथ घटना होता दिखाई दे रहा है। तथो व्यदृश्यंत चतुस्समुद्र, चार दिशाओं से चारों समुद्र उसकी ओर आता हुआ समंत था, क्षमात तलम आग्रसंत, पृथ्वी तल को पूरा घेर कर निकलता हुआ वह समुद्र चौड़ पड़ा। समीर वे गौरमी, वायु और कवेग के साथ साथ उत्ताल तरंग उर्मिया उड़ रही थी, उग्र नक्र महाभय आवर्त गभीर घोषा, वहां भयंकर एक से उग्र नक्र भी दिखाई दे रहे मगरमच्छ, और महाभय आवर्त ऐसे भंवरे वगैरह बनते जा रहे हैं उसमें, सबको उसके अंदर स्वाहा स्वाहा कर जा रहे, ऐसा दृश्य देख के आदमी को तो भाई हार्ट अटैक हो जाएगा। गभीर घोषा, और ऐसे घोष हो रहा है अत्यंत गंभीर जिसको आदमी सुनेगा तो कंपेगा ही। अंतर्भिश्चद्भिर
अतिद्विखरैहि शतहृदाभिरुपतापितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष्य सह आत्मना मुनिर् जलाप्लुतांक्ष्मां विमनः समत्र सत। बहुत त्रास होने लगा, देख रहे सब खत्म, मैं अकेला खड़ा हूं, ये क्या बात है, मेरे को क्यों नहीं डुबाया समुद्र में, चारों तरफ से समुद्र घेरा हुआ है और अकेला खड़ा है, बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है, कैसे विचित्र माया दिखा रहे हैं। ऐसा भी कोई जो है मनोराज्य कर सकता है क्या, ऐसी विचित्र मनोराज्य देख रहा है, है? अंतर बहिश्च अद्भिर अतिद्युभिः खरैः, भीतर बाहर सर्वत्र अतिद्युभिः अतिक्रांता द्यौः या भी ऐसे तरंग उठ रहे थे समुद्र का, मानो द्योलोक तक छो रहा है, अतिद्युभिः। दूसरे को हो ही नहीं रहा कुछ, वहां संसार सब सो रहे आराम से, सायंकाल का टाइम तक कोई घूम रहा है फिर रहा होगा, कोई गप मार रहा है, कोई जप कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपने अपने में सब है। जैसे आप सब देख रहे तो क्या परेशानी हो रही है, आपके सबसे किसी परेशानी होती है क्या, है? आपके सपने भले दूसरा मर भी गया होगा लेकिन आपके लिए मरा हुआ है सपने में, केवल बाहर में तो अपना है वो, माया का खेल यही है। अंतर बहिश्चत भी अतिद्युभि, माने द्युलोक पर्यंत को भी अतिक्रमण करने वाले अद्भि जलों के द्वारा अंतर भी भीतर बाहर सर्वव्याप्त करता उस पृथ्वी को, खर ही सूर्य रश्मि भी वायु भीवा असूर्य रश्मि अद खरग वायु भी खम्भेव रहुति गच्छति थी, खरा माने वायु आकाश में घूमने फिरने वाला वायु है। शतहृदा भी उपतापितम जगत, शतहृदा माने सैकड़ों बार बिजली चमकाता हुआ, दीर्घतम आर्षम हृदा भी कैसे हो गया, कते वो दीर्घ आर्ष छंदो मात्र छंद को पूरा करने के लिए किया गया है, बिजलियां सैकड़ों बार बिजली चमकती गई, इस प्रकार से पूरे जगत को पीड़ित कर दिया। चतुर्विधम वीक्ष सह आत्मना मुनि जलाप्लुताम क्ष्माम विमना समत्र सत। चारों प्रकार का प्रलय उसको एक साथ दिखाई दे दिया, चतुर्विधम अपि लयम उपतापितम जगत सह आत्मना मुनि, अपने सहित सारा जगत इस प्रकार से चारों प्रकार से उपतापित हुआ, चारों प्रकार के जैसे प्रलय से युक्त हुआ जगत को देखता हुआ वह मुनि उस पृथ्वी को जैसे डूबा हुआ देख करके विमाना अत्यंत खिन्न मन वाला होकर के बड़ा त्रास को प्राप्त होने लगा, बड़ा दुखी होने लगा, ये क्या हो गया, कुछ नहीं रह गया, बड़ा आश्चर्य है, न मैं न मेरा न कोई वस्तु कहा है, यार मैं अकेला क्या खड़ा होकर कर रहा हूं यहाँ। तस्वीक्षत उर्मि भीषण प्रभंजना घूर्णित वार्म महार्णव आपूर्यमाणो वर्षद्भिरम्बुदैः श्मामप्यधाद् द्वीपवर्षाद्रिभिः समम्। तस्यैवम् उद्वीक्षत, वो इस प्रकार से देख ही रहा था, इतने में क्या हुआ, ऊर्मि भीषण प्रभंजना घूर्णित वार महाअर्णव, प्रभंजनेन आघूर्णित प्रकंपितम वह जलम उदगम यस्मिन् तादृश में महान समुद्र, भयंकर ऊर्मियों से उत्ताल तरंग ज्वार भाटों से युक्त प्रभंजन आपस में उनके टकराव के कारण से प्रकंपित होता हुआ जल संयुक्त महान व समुद्र वर्षद भी अम्बुदैहि आपूर्यमाण, और दूसरे सब वर्षद भी वर्षा करती हुई जल सब बादलों के द्वारा भी पूरे किए जा रहे हैं। क्ष्माम आपूर्यमाण अर्णव क्ष्माम अपि आधात, पूरे पृथ्वी को उसने धारण कर लिया, आधात मैंने छा दिया, मास ढक दिया, दीप वर्षाद्र भी समम, जितने दीप थे पहाड़ बाढ़ सब के बरा गए, बस जल दिख रहा उसको और कुछ नहीं दिख रहा है। सक्ष्मांतरिक्षम सदिवम सभागणम त्रैलोक्य मासित सह दिग्भिराप्लुतम स एक एवोर्वरितो महामुनीर बभ्राम विक्षिप्य चटा जड़ांधवत।
सारी पृथ्वी, पूरा अंतरिक्ष, द्योलोक, भागण, नक्षत्र, तारागण, त्रैलोक्यम अपि आसीत सहदिक भिराप्लुतम। तीनों लोक, दसों दिशाएं, सारे चीजों के साथ साथ पूरा जल भर गया, न कोई लोक रह गया न कुछ भी रह गया। प्राकृतिक प्रलय तो पूरा वैसे दिख रहा है उसको, और लेकिन विचित्रता ही है, वो अकेला रह गया। एक उर्वरी तो वो अकेला रह गया। अरे प्राकृतिक प्रलय तो अकेला देखने के लिए कहां से रहेगा? प्रलय तो प्रलय है, दिखाना काहे को है? इसका मतलब प्रलय हुआ ही नहीं, ये कहो ना। प्रलय हुआ ही नहीं, भ्रांति है उधार के साथ। प्रलय हुआ होता वास्तव तो भी नहीं रह जाता। हाँ, इसलिए प्रलय का अनुभव कराया जा रहा है, प्रलय हुआ नहीं है। दिखाई दे रही केवल सीनरी, हुआ कुछ नहीं। होता है और क्या। एक उर्वरी तो महामुनि, वो एक ही बचा रहा था, बाकी सब मर जाते। सफर में भी होता है, सब मर गए, अकेला अकेला जिंदे रह गए। बभ्राम विक्षिप्य, वो भ्रांति होने लगी उनको, घबरा भी क्या है और भ्रम भी होने लगे, क्या हो गया, सब कहाँ चले गए। जटा विक्षिप्य विकीर्य, जटा को विकीर्ण करके वो हवाएं इसको सार बिखेर दिए जटाओं को। जड़ांधवत बभ्राम, जड़ीभूत, अंधे के समान, जड़ बुद्धि वाला अंधे के समान जो है अब भ्रांति में फंस गया। किं करते मूड, क्या करूं क्या न करूं, कहां गया सब, क्या हुआ, अचानक है समझ में नहीं आ रहा है। पचित गतो महावर्ते तरल क्षुत्रित परितो मखरेस्त किमिंगिले ही उपद्रतो विचिन्न भस्वताहतः तमस्य पारे पतितो भ्रमंदिशो नवेद खंगांच परिश्रमेशितः। भूख और प्यास चारों तरफ से पीड़ित हो गया बेचारा, कुछ खाने पीने को नहीं दिख रहा है, सब खत्म हो गया। और उसको पेट का भूख दिखने लगे, प्यास दिखने लगा। क्षुत्रित परितः मकरई तिमिंगले, और उल्टा क्या है, चारों तरफ से मकर तिमिंगला रहे। या परिता में जो तस है वो मकरे का विशेषण कर दो, तृतीया में तस है। भूख और प्यास से पीड़ित अनेकों मकर में चारों तरफ से उसको खाने आ रहे। तिमिंगलेर उपद्रुता, और तिमिंगल भी है, तिमि नामक मछली को खाने वाला तिमिंगल। हाँ, तिमिंगल थे, हाँ हाँ, बड़ी मछलियों को खाने वाले भी बड़ी मछलियां होती है, बड़े बड़े कई टन के बड़े बड़े के मछली होते हैं। ये वेल मछली वगैरह वर्णन करते हैं, आजकल भी दिखाई देता है, एक एक मछली कई टन की होती है। हाँ, ये दो हाथी के लंबा चौड़ा हुआ है, ये हाथी तो कुछ नहीं है, इस हाथी के भी दो दो गुणा बड़ा, विशाल एक पहाड़ जैसी दिखेगा वो, ऐसे बड़े बड़े मछली। वो तो और भयंकर है, तिमिंगली भयंकर है, उसे तो और भयंकर होगा। तिमिंगला गिला प्रवता है, तिमिंगलैर तिमिंगलैर उपद्रुतो वीचि नभस्वताहत, उनसे उपद्रुत हो रहा है और चारों तरफ वीचि और वायु से आहत हो रहा है। तमस्य पारे पतितो भ्रमं दिशो, घोर अंधकार में पड़ा हुआ वह दिशाओं की तरफ देख रहा है, कहीं कुछ न दिखने से भ्रमित होता हुआ। नवेद खंगांच, वह न पृथ्वी को समझ रहा है, कहाँ है, कहाँ है, क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूं, न आकाश दिख रहा है उसको, कुछ भी नहीं दिख रहा है। परिश्रमेशित, परिश्रम से ईशित, परिश्रमेशित, परिश्रम निशित गत प्राप्त इशु सर्पणे इत्यस्मात्, इशु सर्पणे जैसे बनाना, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। क्वचित गतो महावर्ते तरल स्थाड़ित क्वचित यादो भीर भक्षते क्वापी स्वयं अन्योन्य घाति भी। क्वचित गतो महावर्ते, मां आवर्त जो बन रहे थे बड़े बड़े, उसके अंदर कुछ तो फंसे जा रहे हैं पशु पक्षी वगैरह, ये देख रहा है, और कुछ तो क्वचित तरल ताड़ित, तरल ही
तरंग ही ताड़ित इत्यर्थ तरस यहां तरंगों से ताड़ित हो रहे हैं। या तो बिर्भक्षत एक पापी, कुछ तो उसे समुद्रीय जंतु, एक जंतु दूसरे जंतु का खा रहे हैं। स्वयं अन्योन्य घात भी, स्वयं एक दूसरे को मार भी रहे हैं वो। क्वचित शोकम क्वचित मोहम क्वचित दुखम सुखम भयम क्वचित मृत्युम अवाप्नोति व्याध्यादि विरुतार्दितः। कहीं शोक होता हुआ देख रहा है, कहीं मोह को देख रहा है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है तो कहीं भय देख रहा है। क्वचित मृत्यु में वापनोति, कहीं तो मृत्यु को प्राप्त होता हुआ देख रहा है, कहीं तो व्याधि से भयंकर पीड़ित होता हुआ दिखा रहा है। एक से विलक्षण वा दृश्य जटा जट फटाफट बदलते जा रहा है। जैसे योग निद्रा में अभ्यास करते ऐसे कराते हैं ना, वहां पर उल्टा पुल्टा सारा दृश्य धड़ाधड़ दौड़ा देते सामने, देखते जाओ बोलते, पहले धीरे धीरे बोलेंगे, एक एक दृश्य वर्णन करेंगे, फिर बाद में ऐसा तेजी से भागेंगे। बस आपको पहले से अभ्यास करा दिया है ना, उसके अनुसार खटपड़ा फटाफट देखते जाना है उसको सीनरी। वास्तव में अभ्यास करने में तो ऐसा होता है, वो कहती से पहले आपको मालूम है अगला क्या सीनरी आ रहा है, खड़ा सब देखते जाएंगे, इतने अभ्यास हो जाते। चित्त की तीक्ष्णता है, वेग है, जितनी वेग से आप बोलेंगे उससे ज्यादा वेग से देखने की क्षमता है, उसके बराबर वेग वाला तो कोई दूसरा वस्तु ही नहीं। इसे मन के स्वभाव है, बड़ी वेग के साथ सब कुछ ग्रहण कर लेता है। आप कुछ बोलने उसे पहले कुछ और सोच लेता है, अब ये होने वाला है बोलेंगे, बड़ा विचित्र दुनिया। कई बार गलत भी समझ लेता है, उसको क्या कहा जाए। अयुतायुत वर्षाणाम सहस्राणी शतानी च वितीयुर भ्रमदस्तस्मिन् विष्णु मायावृतात्मनः। अयुतायुत वर्षाणाम 10,000 × 10,000 उतने वर्ष सहस्राणी, एक महाप्रलय के प्राकृतिक प्रलय काल के अनंतर होता है, उतने सहस्राणी शतानी च, उसका भी 1,000 गुणा उसका भी 100 गुणा कर डालो, इतने अरबों खरबों वर्षों तक बीत गया। बैठा बैठा वहीं रह रहा है और उसको लग रहा लाखों करोड़ अरबों वर्ष बीत गया, अरबों वर्ष बीत गया। भ्रमदस्तस्मिन् विष्णु माया आवृतात्, ध्यान है ना, विष्णु को माया, विष्णु की माया से आवृत है, अच्छाइत है, अंतकरण जिसका ऐसे उसके द्वारा भ्रमण करता हुआ उस जो है प्रलय समुद्र में अपने आप को देख रहा है मारकंडे। सकदाचित भ्रमण तस्मिन पृथिव्या ककुदी द्विज निग्रोध पोतम ददृशी फल पल्लव शोभितम। अकेले तो विशाल समुद्र तैर भी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसे घूमता फिरता वो कदाचित भ्रमण, कभी इस पर समुद्र में घूमता फिरता हुआ अकेला घूम रहा है। और एक क्या देखा उसने, तस्मिन अचानक एक जगह पृथ्वी की चोटी जिसे थोड़ी सी दिखाई, ऊपर उठ गया पृथ्वी, एक चोटी आया और उसमें ककुदी माने चोटी पर उच्च स्थान पर सद्विज और मार्कंडेय ने निग्रोध पोतम दृश्य एक छोटा सा वट वृक्ष को देखा। फल पल्लव शोभितम, फल भी है उसमें, पत्ते भी हैं, इसे युक्त एक बहुत सुंदर छोटा सा एक निग्रोध वट वृक्ष को उसने देखा। और उस हाँ कोम छोटा है ना पोतम, छोटे से कोमल कहेंगे। प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि दर्दिशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसंतं प्रवयातमः। ऐसी विचित्र गोबड़ी है, कहीं एक पेड़ के पत्ते पर बच्चा मिलेगा क्या है? और उस पेड़ का है प्रागुत्तरस्यां शाखायां पूर्वोत्तर दिशा ईशान दिशा के ऊपर बैठा शाखा, उस शाखा का एक पत्ते के ऊपर पर्णपुटके शिशुं ददृश्य, उस वृक्ष के ईशान शाखा के ऊपर में लगा हुआ एक पर्ण था पत्ता, वही पुट है, पर्ण एव पुट, यदि पर्ण पुट के तस्मिन शयानम शिशुम ददृश्य। और वो शिशु कर क्या रहा है वहां लेटे लेटे हुए? प्रवया तमह ग्रसंतम, प्रभा से अपनी प्रकाश से मानो चार फैली हुई जो प्रलय का अंधकार था उस अंधकार को खा जा रहा है, चार प्रकाश फैलाता हुआ दिखाई दिया। महामरगद श्यामम श्रीमद्वदन पंकजम कंबुग्रीवम महोरस्कम
सुनासन सुंदर भ्रुवम। और अब बालक कैसा है, बस बालक का वर्णन कर रहे हैं। महामरकत मणि के सदृश श्यामला रंग का है, श्रीमद वदन पंकजम, सर्व शोभा से युक्त मुख कमल है, कंबु ग्रीवम अति सुंदर त्रिरेखा वृत्त, तीन रेखाओं से युक्त उसको तो कंबु, ऐसा ग्रीवा है जिसका, और मोहर उसका विशाल उरा है, बच्चे आ बिल्कुल सुगड़ा हुआ नहीं है वो, विशाल उरा प्रदेश है जिस बच्चे का, सुंदर नाक है, सुंदर भौवे हैं, स्वाचे जद्दल का भातम कंबुश्री कर्ण दाड़िमं विद्रुमाधर भासे शत शोणा इत सुधास्मितम, श्वासई जद्दल का भातम कहते श्वासई रेजंत कंपमानालका तैर आभातम शोभितम, उसी जो श्वास चल रहा था उसी श्वास के कारण से ही क्या हो रहा है, उसके बाले जो लगे हुए वो हिल रहे थे, उसके हिलने के साथ बड़ा सुंदर लग रहा था उसका चेहरा। कंबुश्री कर्ण दाढ़िमम, कंबुश्री कर्ण दाढ़िमम, तीन रेखाओं से युक्त कंबुवत अंतर्वलयेन, कंबू के समान अंतर में भीतर में वलय बना हुआ है, वलय देश बना हुआ है, ऐसे युक्त सौंदर्य से संपन्न कर्ण दाढ़िमा के सदृश दिखाई दे रहा है, दाढ़िम फल के सदृश दिखाई देता हुआ कान है जिसका, विद्रुमाधर भाषेशत, विद्रुम विशेष जो वृक्ष विशेष, विद्रुम तुल्य अधर भाषा होंठ का जो लालिमा, जो पेड़ की लाली जो निचला भाग होता है वो जिस तरह की हल्का लालिमा के साथ युक्त है वैसी लालिमा से युक्त उसके होंठ दिखाई दे रहे हैं, विद्रुम तुल्य अधर भाषा, ईश शोणायतम थोड़ा सा लालिमा से युक्त है, सुधा तुल्यम अमृत के समान मुस्कान जिसका, पद्मगर्भारुणापांगम हृदय हासावलोकनम श्वास वलिसं विघ्न निम्न नाभिदलोदरम, पद्म गर्भारुणापांगम, पद्म गर्भवत कमल का गर्भकोश के बीच की कर्णिकाएं जैसी दिखाई देती है उसी प्रकार से अपांग सुंदर है, लाल लाल अंग में एक विलक्षण तेज से अंग है उनका अपांगम, और ईशद अरुणव अपांग नेत्र प्रांत व्यस्य, नेत्र किनारे उसके हल्का लालिमा से युक्त नेत्र के अपांग कहते नेत्र के किनारा को, वल किंचित लालिमा से युक्त है वैसी लालिमा है उसको सादृश्यता दिया है कमल कोश का भीतर का जो बीच का भाग कर्णिका है उसके समान, हृदय हासावलोकनम, हृदय हास यस्मिन हृदय को आकर्षित कर देने वाला मुस्कान है जिसमें, ऐसा अवलोकन है चितवन है जिसका, ऐसे परमात्मा श्वास है जत्वलि संविघ्न निम्न नाभिदलोदरम, श्वासी रेजंत्य चलंत्य वलय तिर्यंग निम्न रेखा तावे संविघ्न चंचला निम्न गंभीरा नाभिर यस्मिन, भगवान का पेट का वर्णन कर रहे हैं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है वलयाकार बन जा रहा, चिन्ह बनता है वलयाकार चिन्ह बन जा रहा है, जैसे श्वास लेते हैं श्वास ही रेजंत्या श्वास के द्वारा वह चलता हुआ ऊपर नीचे होता हुआ चलंत्या, वलय तिर्यग निम्न रेखा, वलय क्या है तिर्य टेढ़े भाव में निम्न भाव को प्राप्त होता हुआ रेखाएं बन रही थी, तावी संविघ्ना कि फूलने पर तो रेखा नहीं बनता है जब अंदर जाता है तो रेखाएं जैसे बन जाते हैं, उनके द्वारा संविघ्ना चंचला निम्ना उन्हें गंभीरा नाभि, उस कारण से अत्यंत चलायमान होता वह गंभ नाभि जो दिखा रहे तार नाभि है जिसमें, ऐसा उदर है जिनका नाभिदलोदरम, हलवत अश्वत्थ पत्र संकाशम उदरम यस्य तम इत्यर्थ, तद दलवत तारश कमल के सदृश जो है अश्वत्थ पत्र के रंग के से रंगजित हुआ वह उदर है जिसका,
ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। चार्वंगुलिभ्याम पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम मुखे निधाय विप्रेन्द्र दयंतम वीक्ष्य विस्मित। विप्रेन्द्र ब्राह्मण श्रेष्ठ मार्कंडेय अत्यंत आश्चर्यचकित उस बालक को देख करके, बालक कर क्या रहा था, बालक का सौंदर्य वर्णन करने, बालक कर क्या रहा है, एक पैर को अपने हाथ से पकड़ करके अंगूठे को चूस रहा है। चार अंगुलिभ्याम पाणिभ्याम सुंदर अंगुलियों से हाथों के द्वारा उन्नीय चरणाम्बुजम अपने चरण कमल को पढ़ के खींच के अपने ओर लाए और मुखे निधाय अपने मुख में रख करके दयंतम उसको चूसता हुआ भगवान थे। उसको विप्रेन्द्र वीक्ष अति विस्मित। बच्चों की स्वभाव है कुछ न कुछ चूसना है, उसकी चूसेगा नहीं तो फिर जो सारे उसकी जीवा मोटा हो जाए, बोलेगा कैसे फिर बाद में, वो जरूरी है। अच्छा तत् दर्शनाद्वित परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्ल पद्मविलोचनाम्बुज प्रहृष्ट रोमाद्भुत भाव शंकित प्रष्टुम पुरस्तम प्रससार बालकम। उसको देखते ही इतने हजारों वर्षों से जो तैरते तैरते थका हुआ था, परेशान था, कहीं बैठ रहा खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही थी, पानी पानी चारों तरफ तैरे 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 कहां तक तैरते फिर तैरेगा, कभी कभी तो योग मार्ग से अपने चित्त पर लेट जाता था फिर उठ जाता फिर तैरता था, जो करते करते जितनी हजारों वर्ष बीत चुकी है थका हुआ था, लेकिन उस भगवान के सुंदर मुख को देख सारा थकान उसका दूर हो गया। कहते हैं क्या हुआ, तद दर्शनात उस भगवान का दर्शन करने से वीत परिश्रम हो, उसका परिश्रम समाप्त हो गया, थकान दूर हो गया, नष्ट हो गया। मुदा अत्यंत आनंद के कारण से प्रोत्फुल्ल हृत पद्म विलोचनाम्बुज अत्यंत प्रफुल्लित हुआ उनका हृदय कमल और आंख रूप कमल, कमल आंख के आंख का कमल सदृश विलोचन अम्बुज ऐसा अम्बुज जिनका ऐसा वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ है। प्रहृष्ट रोमाद्भुत भाव शंकित प्रहृष्ट हृत पद्मंच विलोचनाम्बुजे च प्रोत्फुल्लानि तानि यस सह ऐसे अद्भुत भावो अत्याश्चर्य रूपम तेन शंकित सन्नपी वो शंकित तो हुआ, अरे ऐसे अचानक कोई बच्चा कहां से टपक जाएगा, फिर भी सोचा पता नहीं कोई भी हो, चलो कोई साथी तो मिल गया, अकेला अकेला परेशान था मैं, है एकाकी न रमते है ना, एकाकी बेचारा परेशान होता है, दूसरा मिल गया सोच चलो इसे प्यार करते इससे बात करते पूछते तू कौन है भाई किसका बेटा है कहां से आया क्या है तुम्हारे सगे संबंधी कहां रहते हैं चलो वहां चलते हैं, परेशान हो मैं अकेला यहां, तू तो एक साथी मिल गया अच्छी बात है, उसे बात करने की इच्छा से उसके पास जाने लगा। कहते हैं प्रहृष्ट रोमाद्वित भाव संगीत प्रष्टुम है ना तम पुरा प्रससार बालक, उस बालक को पूछने की इच्छा से उसकी ओर आगे बढ़ा। तावत चिचोर वही श्वसिते न भार्गव स्वंत शरीर मशको यथा विशत तत्रापेदनस्तमचष्टकृष्णशो यथा पुराम अमुह्यद्दतीव विस्मितः। देखते देखते ही गड़बड़ हो गया काम सब है। तावत शिशोर वही श्वसितेरा इतने में शिशु के द्वारा श्वास लिया गया भार्गवः स्वंत शरीर मशको यथा विशत जैसा किसके शरीर के अंदर मच्छर मुंह में घुस जावे वैसे वो गायब हो गया। कहां गया भार्गव बालक के मुख में स्वयं चला गया, बालक में मुख में मार्कंडे घुस गया ऐसा वो देख रहा अपने आप को श्वास के साथ जैसे अजगर के श्वास के साथ भूमि में चला जाता है वैसे मच्छर के समान अंदर प्रवेश कर उल्टा हो गया काम है, मित्रता करने गए उल्टा उसके पेट में घुस गए। स्वंत शरीरम आवश्यक मशको यथा जैसा मच्छर घुस जाता है मुंह के भीतर में वैसे तत्राप्य तत्राप्य दो न्यस्तम चष्ट कृष्ण शो
बड़ा विचित्रता है। तत्रापि वहां पर अंदर जाके उसने क्या देखा, नया ब्रह्मांड देखा। जब बाहर उसने देव था उसका सारा आश्रम आश्रम सब वहां पर है अंदर में। एक देखिए विचित्र माया, ये कैसा जगत है। बालक के मुंह में घुस गया, अब भीतर में जब गया अंदर सारी चीजें हैं, जंगल वंगल सब। तत्राप्य दो न्यस्तम चष्ट कृष्ण शो यथा पुरा अमुह्यतीव विस्मित। जैसा पहले था वैसी सारी चीजें उसने भीतर में देखा, आश्चर्यचकित होकर अत्यंत मोहित होने लगा। अरे हुआ क्या, अमुह्य था। खंड्रोदसी भगणा नद्री सागरान द्वीपान सवर्षान गकुबह सुरा असुरान वनान देशान सरित पुराकरान खेटान रजानाश्रम वर्ण वृत्तय महांति भूतान्यत भौतिकान्यसौ कालंच नानायुव कल्प कल्पन कल्पनम यत्किंचिदन्यद् व्यवहार कारणम ददर्श विश्वं सदिवाव भासितम। खम आकाश रोदसी द्युलोक भगणान मैंने द्युलोक देखा, अंतरिक्ष लोक देखा, नक्षत्र ताराएं समुद्र सागर द्वीप वर्षा अनेकों देश से युक्त द्वीपों को ककुप सारे दिशाएं देख रहा है, सुरा सुरांच देवता और असुरों को देख रहा है, जंगलों को देख रहा है, देशान सरित पुराकरांच देशों को, उनमें विद्यमान सरित नदियों को, पुरों को, वहां पर विद्यमान आकर खानों को, खेटान खेटान में कर्षक ग्रामों को, खेती बाड़ी के गांव, और क्या देगा, ब्रजान गोवों के स्थान, आश्रम वर्ण वृत्तय और सभी वर्ण वाले लोग आश्रमांश वर्णांश तेषांच वृत्ति उनकी वृत्तियों के साथ उनको देखा। अपने अपने क्रिया कर्म कला सब कर रहे, वो सब देख रहा है अंदर के। महांति भूतान इति भौतिकान्य सौ और पंच महाभूत उन भूत सृष्ट भौतिक सगल पदार्थ देख रहा है। कालंच नाना युग कल्प कल्पनम काल को नाना प्रकार युगों की कल्पना से युक्त कल्पना रूपा उस काल कल्पना का कारणीभूत उस काल को देख रहा है। नाना युगानी कल्पाश्च कल्पयति तैर्वा कल्प्यते इति तथा तं कालम, ऐसे काल को देख रहा है। नाना युग और कल्पों की कल्पना करता है जिनके द्वारा उस काल को, अथवा उन कल्पों के द्वारा कल्पित है जो काल, स्वीकृत है जो काल, उस काल को उसने देखा। यत किंचित अन्य व्यवहार कारणम और जो कुछ भी व्यवहार का कारण था उन सब को सदैव परमार्थ इव अवभासितम परमार्थ के समान यथार्थ के समान समस्त विश्वम ददर्श पूरा विश्व को वहां देखा। हिमालयम पुष्प वाहन चाम नदीम निजाश्रमम च तत्र ऋषि न पश्यत विश्वम विपश्यन शशिता चिशोर वही बर्ही बहिर निरस्तो नपतत लयाब्धौ। हिमालय को देखा, पुष्पवाहन नाम की उस नदी को देखा, अपने आश्रम को देखा, वहां ऋषि लोग बैठ के अपना तपस्या जो जब तब कर्म कांड कर रहे सब देख रहा है वो। इस प्रकार से विश्व को देख ही रहा था, इतने में दोबारा भगवान ने उसका श्वास से बाहर फेंक दिया। फिर वापस से प्रलयाम्बुद में गिर पड़ा धड़े। श्वसिता शिशो और वही शिशु के श्वास के माध्यम से बही निरस्तो बाहर फेंक दिया गया वह नपतत लयाब्धौ, प्रलय काल में समुद्र में वो गिर पड़ा दोबारा। कैसी विचित्र माया देखा उसने है? बताओ संसार में क्या सत्यता है। ऐसे हम सब का हाल है, ये बता रहा है वो मार्कंडे की कथा से, सबका यही हाल है। ना कोई सृष्टि है ना कुछ है, जहां जैसा देखना चाहो वहां वैसी दिखाई देता है। और बालक के मुंह में इतना मोटा शरीर कैसे घुस गया, वैसे देखने की संकल्प होते हुए देखते जा रहा है, और अंदर भी सारा देखा ब्रह्मांड को, फिर देख बाहर आ गया, फिर वहां ऐसे गिर पड़ा, फिर वहां देखे फिर दोबारा सब कुछ हो जाएगा, वहां बाहर भी सारा प्रलय का जल गायब, और देखता अपने आप को बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। वो सायंकाल का एक घड़ी भी बीता नहीं था, और क्या, वो ध्यान में बैठ करके मानस पूजा कर रहा था, इसी बीच में घटना घटी। ये सारा लाखों अरबों वर्षों की
पूरी माया चक्र को उसने सात कल्प को देखा बताया जाता है अन्य पुराणों के आधार पर, एक घड़ी भी नहीं हुआ था उसे में सात कल्प को उसने देख लिया। हाँ बताओ, नाना युग कल्प कल्पितम कालम कहा ना अभी श्लोक में, नाना प्रयुगंश युक्त जो कल्प है ऐसे कितने कल्प है, सात कल्पों को उसने देखा। तस्मिन् पृथिव्या ककुधि प्ररूढ़ वटंच तत्पर्णपुटे शयानम तोकंच तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षित पांग निरीक्षणेन। वापस वही उस बालक को देख रहा है, वही एक पृथ्वी का एक छोटा सा चोटी सा, उस एक छोटा सा पेड़, वो पेड़ का एक छोटा सा चाका के पत्ता, उस पत्ते पर बैठा वो बालक वैसे ही दिखाई दे दो बालक। इस कल्पना गलत है, ये तो भाई आपकी कितनी आयु है, आप सपने में मान लो 10 जन्म देख के आ गए कि आपकी उतनी आयु बनी जाएगी, आप अपने सपने में कितना भी जन्म आप देख लीजिए, अरब खरब वर्ष देख लीजिएगा, उतने से आपकी यहाँ की आयु बढ़ जाएगा, उतने से आप जीवित माना जाएगा क्या? वो तो सारी चीजें वो चिरंजीवी है, इसलिए कह दिया जाता है भाई अनेकों युगों में रहते हैं, चार युगों पर्यंत कम से कम रहते ही है, ये मान लिया जाता है, मृत्यु को जीत चुके हैं। अच्छा, तस्मिन् पृथिव्या ककुधि प्ररूढ़म, उस पृथ्वी के चोटी पर पड़ा हुआ प्ररूढ़ वटंच वट को देखा, तत्पर्ण पुटे शयानम और उसके ईशान कोण विद्वान शाखा के एक पर्ण पुट पर सोया हुआ तोकंच उस बालक को, तत् प्रेम सुधास्मितेन उसकी प्रेम युक्त अमृतमय मुस्कान से युक्त उसको निरीक्षित अपांग निरीक्षणेन। पठंच तोकंच तस्य प्रेमणा सुधा तुल्य स्मित युक्तेन अपांग निरीक्षणेन निरीक्षित सन, उस आंग किनारे से भगवान ने भी मार्कंडे को देख लिया, दृष्टि डाल दिया, उतने मासे क्या हुआ, अततम बालकम वीक्ष नेत्राभ्याम दृष्टितम हृदि अभ्ययाद अति संक्लिष्ट परिश्वक्तुम मधोक्षजम। उसके अनंतर इसके अंदर हृदय में इच्छा हुई मैं इस बच्चे को आलिंगन करूं, पकड़ लो इसको। अततम बालकम वीक्ष नेत्राभ्याम दृष्टितम हृदि, नेत्रों से देखा हृदय में उसको धारण कर लिया, अभ्ययात अति संक्लिष्ट अत्यंत प्रकार संक्लेश को प्राप्त कर हुए वह क्या किया, परिश्वक्तुम मधोक्षत, मधोक्षत को आलिंगन करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा वो आलिंगन करने के लिए गायब, सारा खेल खत्म। तावत स भगवान साक्षात योगाधीशो गुहाशय अंतर्धदर्शे सद्यो यते हे अनीश निर्मिता, तावत स भगवान साक्षात, इसके लिए वो लक्ष्मण पंडित थे ना, बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे, अरे देवी दृष्टांत विचित्र है, वो कहते थे जैसे कोई नौजवान बालक स्वप्न में दिव्य सुंदर स्त्री के साथ अनस विहार आदि किया और जहां उसके साथ भोग करना, चित्र में इसका यहां स्खलन हो जाता, खरा कहा गई वो देवी, कहा रहा भोग, कुछ भी नहीं, नाशी नाश है वही यहाँ पर वह बोलते थे विचित्र माया है, जो इस माया को आलिंगन करने की चेष्टा करे, पकड़ने की चेष्टा करेगा वो स्वाहा हो जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगने वाला, ये दिखाना चाहते हैं। तावत स भगवान साक्षा योगादीशो गुहाशय, सभी के हृदय रूपी गुफा के अंदर रहने वाले वह अंतर्यामी परमात्मा योगों का अधीश साक्षात जो भगवान है वह अंतर्धदे अंतर्धान ऋषे है सद्यो यथा यह अनिश निर्मिता, ऋषि के सामने सद्य झट क्षण भर में गायब हो गए, उसी प्रकार से जिस प्रकार दृष्टांत देते इस लोक में अनिह के द्वारा निर्मित, अनिश के द्वारा जो निर्मित है वो जैसा नष्ट हो जाता है वैसे ही गायब हो गया, अनिश का माया भी, माया की माया भी निर्मित वस्तु है, वो कहता है नोट है, लो लो नोट, लो नोट लो, फेंक रहा है,
अरे इतना नोट बनाने की दम होता तो आपसे चारणा लेकर क्यों मैजिक दिखाएगा, आपकी एक एक रुपया कैसे तरस रहा हो, आपकी एक एक रुपया के लिए तरस रहा है ना, स्कूल में जाएगा सबसे एक एक रुपया कलेक्शन होगा, 100-200 रुपए जो हुआ उसको दिया जाता है, वो 100-200 रुपए के चक्कर में बेचारे 4 घंटा मेहनत कर रहा है, और ये नोट जो बना रहा है वो सच्चा होता तो बनाने की जरूरत क्या, इतना झंझट क्यों कर रहा हूं, 4 घंटे क्यों लगा रहा आपके पीछे, और उस नोट को आप पकड़ भी लेंगे, लगता पकड़ लिए जेब में डाल लीजिए, बाद में जाइए टॉफी खरीदिए, रहेगा जेब में वो, बाद में देखो तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं कागज भी नहीं खाली है, कागज कहां से, कुछ भी नहीं, अरे हम तो दूध पी के पेट भर गया, हम बाद में देखे तो भूखा का भूखा था, उसने क्या किया वो एक बोतल दूध पकड़ा दिया एक को, अच्छे साथ है खड़े हैं हाँ, लाइन से एक दूसरे को छो बोला उसने, और उसे मुंह में नहीं लगाना बुतरे में पकड़ लो, और पहले एक ने डकारा, दूसरे ने डकारा, तीसरे ने डकारी, तीसरे चौथे ने डकारी, सातवें भी डकार, सातों डकार गए पी पी करके दूध, और बोतल खाली नहीं हो रही है, मुंह में भी नहीं लगा और सब डकार रहे, और वो भी डकारने लगा जो बोतल पकड़ा, वो भी रख रहे मेरे से और नहीं पिया जाता है, रख रख दिया उसने, अब बस हो गया, सृष्टि से उतर गए तो सब पेट खाली, कौन डकार रहा था, क्या डकार हुआ, लगा पेट भर गया और नहीं पिया जाता, बस बोतल को फेंक दिया उस बेचारे, ना बोतल था ना दूध था, किसके पेट भरा, ये विचित्र माया है ना, तो ये कह रहे हैं अंदर निशे सद्य यथा अनिश निर्मिता, अनिश्चय निर्मित वस्तु जैसा गायब हो जाते वैसे ही सब कुछ गायब हो गया, तमन्वत वटो ब्रह्मन सलिलम लोक संप्लव तिरोधाई क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्वत स्थित, क्या देख रहा है अपने आपको, वो अपने आश्रम में पूर्व स्थित चुपचाप बैठा हुआ है, यही दिख रहा है उसको, तम मनु उसके पीछे पीछे क्या हुआ, अथो वटो ब्रह्मन हे ब्रह्मन सलिलम लोक संप्लव, वह वट वृक्ष वह लोक को डुबाने वाला हो जल, और सारा का सारा तम अनुतिरोधाई उसका पीछे पीछे क्षणादेव तिरोध, क्षण भर में सब गायब, और यह क्या गया, अस्य स्वाश्रय पूर्व स्थित, और अपने आप को दे रहा है मैं उस आश्रम में जाऊं था वहीं पर बैठा हुआ है, संध्या का काल बीते घड़ी भर बीता है, ऐसा अपने आप को वो देखा।